कन्या विवाह सहायक योजना के तहत कुशीनगर में 20 नवंबर को होगा सामूहिक विवाह कार्यक्रम। सिद्धार्थनगर में बिजली के पोल से गिरा लाइनमैन, मौके पर ही मौत, लोगों ने किया हंगामा। कुशीनगर में ससुराल आए व्यक्ति की पोखरे में डूबने से मौत, गांव में मचा हड़कंप। गोरखपुर में सीएम अगले माह करेंगे 753 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण, बदलेगी शहर की सूरत। गोरखपुर में पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी के नाम जाना जाएगा हरनदी सोरबरसा मार्ग, 36 करोड़ से किया जाएगा 2 लेन। गोरखपुर के रेलवे अस्पताल में अब बच्चों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं, खास तरीके से बनाया गया है वार्ड। कोरोना से मुक्ति की ओर बढ़ा जिला गोरखपुर, फिर भी रहना होगा अलर्ट। दिल्ली के सीएम ने हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा अर्चना, बोले हर किसी को मिले ये सौभाग्य। वाराणसी में पीएम मोदी ने किया सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का उद्घाटन, कहा अब गरीब के बच्चों भी बनेंगे डॉक्टर। आयुर्वेद विभाग के फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विद्याधर पाठक द्वारा शासन दिस निर्गत होने के बावजूद भी विभिन्न मंडलों को एसीपी के लाभ न दिए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री जी के कैंप कार्यालय गोरखनाथ मंदिर में ज्ञापन देकर एसीपी का लाभ दिलाने की मांग की। दिनांक 23/10/2021 सोमवार की लंबित समस्याओं, विशेष करके एसीपी के एसीपी एवं 83, 84, 82 के फार्मेशियल रिकवरी के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश कंप्लायंस के लिए माननीय मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय गोरखनाथ मंदिर में मुलाकात करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन किया गया, महोदय आयुर्वेदिक चीफ फार्मेसी एवं फार्मेसिस्टों को वर्ष 2017 से लगभग 10 मंडलों के फार्मेसिस्टों को बस्ती, प्रयागराज, अलीगढ़, कानपुर, सहारनपुर, मिर्जापुर आदि मंडलों। रामाशंकर जिला उपाध्यक्ष व सलीम शेख बने जिला सचिव, बधाई। गोला गोरखपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल एवं प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ डॉक्टर राजपाल कश्यप की अनुमति से गोला तहसील क्षेत्र की विकास खंड उरवा की सरम परवर पार गांव निवासी रामाशंकर यादव को समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का जिला उपाध्यक्ष, साथ ही उपनगर गोला के गोपालपुर निवासी सलीम शेख को पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का जिला सचिव मनोनीत किया गया। पहले झंडा फहराते हैं फिर पान लगाते हैं। बासगांव तहसील मुख्यालय पर अजीबोगरीब कार 20 वर्षों से चल रहा है, या देशभक्ति है या कुछ और, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बासगांव में मनपसंद पान भंडार 20 सालों से चल रहा है, जहां दुकानदार के मालिक पहले ध्वजरोहण करेंगे फिर पान की दुकान लगाएंगे, शाम को ध्वज उतारेंगे तब जाके दुकान बंद करेंगे। विगत 20 वर्षों से यह सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। मैं आपका सुदर्शन प्रसाद जी, और ये आप तब से झंडा सुबह लगाते हैं और शाम को उतारते हैं, कि कितने दिनों से काम कर रहे हैं? 20 साल से, जब से पान की दुकान लगाते हैं तब से। मेरी बिरादरी ने गांधी जी की हत्या की थी, इसी नाते भगत सिंह को मानते हैं। बासगांव चौराहे पर मनपसंद पान की दुकान का नजारा ही अलग है। इनके दुकान पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, गांधी जी का चित्र लगा हुआ है। आमतौर पर पान की दुकान पर हीरो हीरोइन या देवी देवताओं का फोटो देखने को मिलता है, परंतु देशभक्ति की भावना ऐसी है कि रोज झंडा लगाते हैं और इन महापुरुषों की पूजा करते हैं। पूछने पर बताया कि मेरी बिरादरी ने गांधी जी की हत्या की, जिसके बाद मैं भगत सिंह को मानता हूं, उनके विचारों से प्रेरित हूं, परंतु गांधी को भी मानता हूं। मैं आपका सुदर्शन प्रसाद जी, और ये आप तब से झंडा सुबह लगाते हैं और शाम को उतारते हैं, कि कितने दिनों से काम कर रहे हैं? 20 साल से, जब से पान की दुकान लगाते हैं तब से। और ये जो महापुरुषों का चित्र लगा है, ये क्यों लगाए हैं? लगाया है कि हमारा
बिरादर जो है गांधी जी को गोली मारा है। आपका बिरादर गांधी जी को गोली मारा था? हाँ, इसीलिए भगत सिंह को मानते हैं बहुत ज्यादा। तो गोली तो उनको गांधी जी को मारा था ना? खानदान तो हमारा ही था ना। तो आप भगत सिंह को मानते हैं? भगत सिंह गांधी जी तो नहीं मानते हैं? गांधी जी माना जाला। तो गांधी जी की भी तो फूट लगा है। माने जाते हैं लेकिन सबसे फर्स्ट में वही है। कौन सा भी आदर है आपका? गोड़ है। गोड़ गोड़ है कि गोंड है? गोड़ है। गोड़ कहाँ वाला? समाज सेवी धर्मेंद्र सिंह भाजपा सदस्यता लेने के बाद ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने दी बधाई। हाटा ग्रामीण विधायक मानी विपिन सिंह ने श्री सिंह को बधाई देते हुए उम्मीद व्यक्त किया कि सामाजिक कार्यकर्ता धर्मेंद्र सिंह भाजपा की नीतियों कार्यक्रमों को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाएंगे। आप जैसे लोगों को हमारी पार्टी में स्वागत है। उन्होंने बताया कि भाजपा नीतियों की जन जन तक पहुँचाने की आवश्यकता है ताकि 2022 में भाजपा की सरकार बन सके, जिससे जनता को लाभ मिलेगा। चोरों ने किया चोरी। ग्राम आनंदपुरवा में कल रात चोरों ने चोरी किया। ग्राम सभा निवासी भगवंत ने बताया कि रात 12 बजे घर में सो रही थी, तभी ग्राम निवासी हनुमान पुत्र मोलाहू सन्नी उर्फ तसर पुत्र राम प्रकाश निवासी ने गली से मंगलसूत्र खींच कर ले भागा, जिसकी सूचना हरनही पुलिस को दिया गया। नाम क्या नाम आपका? हमारा जगदीश यादव नाम है। हाँ। और ये हमारी माता जी है। हाँ। और ये जो है कल तरकुलहा गए थे तो हाँ। तरकुलहा से आई तो ये जो है मंगलसूत्र पहनी थी और ये कान के फूल पहनी थी और ये जो है पायल पहनी थी। तो ये दो लोग आए और एक जो है गला पकड़ के और सीने पे पकड़ लिया और एक पैर पकड़ लिया। दोनों में से एक जो है इधर मंगलसूत्र और ये कान में का निकाल लिया और एक जो है पायल निकाल लिया। निकाल के जब माता जी चिल्लाने लगी तो इनका मुंह पकड़ के दबा दिया था। फिर ये औंठी आकर के बोली पहचाने तो कौन था चोर? हो हाँ, हलमान था। अच्छा, मुलहू का लड़का। यही ये तीन बार हमारे घर आ चुका है, चौथा बार ही है। इससे हम लोग बहुत तंग हैं। इसके लिए जो भी कर सकते हैं आप लोग बहुत जल्दी कीजिए। और किसी उज्ज्वला योजना ग्रामीणों के लिए वरदान। राजेश त्रिपाठी। माँ लक्ष्मी इंडियन ग्रामीण वितरक उरुआ बाजार के परिसर उज्ज्वला योजना 2 का शुभारंभ पूर्व मंत्री भाजपा नेता राजेश त्रिपाठी ने किया, जिसमें उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 105 लाभार्थियों में सिलेंडर चूल्हा आदि सामानों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में एलपीजी गैस के मैनेजर मनोज कुमार श्रीवास्तव व प्रबंधक संतलाल जायसवाल व कार्यक्रम की अध्यक्षता अरुण जायसवाल, संचालन अनिल अग्रहरी ने किया। इस मौके पर प्रशांत शाही, अमित पांडे, अखिलेश्वर पांडे, अवनीश कुमार, अर्जुन रावत, सुनील, संजय, राजू सहित कई लोग मौजूद रहे। ग्राहक हैं, देखिए उज्ज्वला क्या है, जो मोदी जी का एक सपना है, पहले भी था अभी भी है, कि जितनी महिलाएं हैं अगर महिलाओं को सुरक्षित रखेंगे तो आप ये मानिए कि एक परिवार सुरक्षित होगा। क्योंकि एक परिवार में से जो परिवार का मुख्य अंग होता है पुरुष, अगर वो कमाने का काम करता है तो महिला उस परिवार को पालने का काम करती है। अब पालने के लिए क्या आता है? सबसे पहले खाना बनाना। किसी व्यक्ति को हवा में भविष्य में ऐसे तो नहीं कर सकते ना, खाना खिला के संतुष्ट करेंगे तभी तो पाल कहते हैं ना, पाल पोस के बड़ा किया। इस शब्द का मतलब क्या होता है कि बच्चों को खिला पिला के बड़ा किया गया। जब तक कोई व्यक्ति खाना नहीं खाएगा तो वो बड़ा कैसे होगा या स्वस्थ कैसे होगा या आगे कैसे बढ़ेगा। इस दरम्यान में मोदी जी का उद्देश्य था कि जो जनता यानी कि ये जो जिला कर। चोरों ने बीती रात घर में घुसकर किया घर गृहस्थी पर हाथ साफ। गोला थाना क्षेत्र के लगुनही गांव में श्याम सुंदर ओझा के घर का ताला तोड़कर 1,75,000 नगद और 4 चांदी का सिक्का चुरा ले गए। मौके पर पहुंची गोला पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर रही है। लगुनही गांव निवासी श्याम सुंदर ओझा और उनके छोटे भाई डॉक्टर संतोष ओझा गोरखपुर स्थित भगत चौराहे पर मकान बनाकर रहते हैं और वहीं पर साई सैनिटरी वेयर की दुकान चलाते हैं।
और डॉक्टर संतोष ओझा बुद्ध विहार पार्ट सी में कलश चिकित्सालय के नाम से अस्पताल चलाते हैं। इनकी माता कभी कभार घर पर आती जाती रहती हैं। मौके पर पहुंचे हल्का SI अजय कुमार ने कहा कि जल्द ही इस चोरी की घटना का पर्दाफाश किया जाएगा। आशा कार्यकर्तियां विभिन्न मांगों को लेकर कर रही धरना प्रदर्शन। कौड़ीराम गोरखपुर आशा कार्यकर्तियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कौड़ीराम ब्लॉक पर लगातार 6 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हैं। कौड़ीराम ब्लॉक के अंतर्गत आशा कार्यकर्ती सुधा द्विवेदी समेत आदि आशा कार्यकर्तियों ने कहा कि हम लोगों की मांग है, जब तक नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। इस धरना प्रदर्शन में विद्या यादव ब्लॉक अध्यक्ष, सुधा द्विवेदी, आशा सुधा सिंह, लक्ष्मी राजभर, मालती देवी, वंदना दुबे, अंबिका सिंह, आशा संगिनी आदि आशा कार्यकर्तियों मौजूद रहीं।